नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे थे, और इसके पहले वीडियो में, चूँकि वीडियो लंबा था इस कारण से मैंने इसे दो पार्ट में अपलोड करने का निर्णय लिया। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड पार्ट। और क्या देखते हैं हम कि हमने इसके व्हिटेकर ने पांच जगत वर्गीकरण दिया है। पांच जगत वर्गीकरण में पहला जगत मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, और पांचवा जो जगत है वो है एनिमेलिया। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा जगत की बात करें, तो वर्गीकरण का कूड़ादान जो है वो प्रोटिस्टा को कहा जाता है। वर्गीकरण का कूड़ादान प्रोटिस्टा को कहा जाता है। प्रोटिस्टा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सर्वप्रथम, अर्थात इस प्रकृति में सर्वप्रथम आने वाले जंतुओं की अगर बात करें तो वो कौन से हैं, प्रोटोजोआ के सदस्य हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत मुख्य रूप से एक कोश की यूकेरियोटिक तथा जल में रहने वाले जीवों को सम्मिलित किया गया है। देखिए कि प्रोटिस्टा को जगत मोनेरा तथा जगत प्लांटी, कवक और एनिमेलिया के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। यहाँ पर एक बात थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो जगत मोनेरा है उस जगत मोनेरा को पोषण विविधता वाला जगत माना जाता है। जगत मोनेरा को पोषण विविधता वाला जगत माना जाता है। वहीं पर जगत प्रोटिस्टा की बात करें तो जगत प्रोटिस्टा के सदस्यों को मुख्य रूप से तीन समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, दूसरा है स्लाइम मोल्ड्स, और तीसरा है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट की, तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट को डाइनोफ्लेजिलेट, डायटम तथा युगली नॉइडिया में वर्गीकृत किया गया। अगर हम डाइनोफ्लेजिलेट की बात करें, डाइनो का मतलब है दो, और फ्लेजिलेट फ्लेजिला, फ्लेजिलेट मतलब फ्लेजिला, अर्थात ऐसे प्रोटिस्ट जिनमें दो फ्लेजिला पाए जाते हैं डाइनोफ्लेजिलेट कहलाते हैं। तो डाइनोफ्लेजिलेट की जो कोशिका भित्ति होती है वह कवच प्लेटों का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि डाइनोफ्लेजिलेट के कुछ सदस्य जो है बायोल्यूमिनिसेंस प्रदर्शित करते हैं, जैव संदीप्ति उत्पन्न करते हैं। लाल ज्वर गैनियोलॉक्स नामक डाइनोफ्लेजिलेट की संख्या में अतिवृद्धि के कारण होता है। लाल सागर का रंग ट्राइकोडेसमियम के कारण लाल होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि डायटम्स के फेस्टियूल्स दो अर्धांशों के बने होते हैं, और दोनों अर्धांश एक दूसरे को पर ओवरलेप्ड रहते हैं, जैसे कि साबुनदानी। वहीं पर अगर आगे बढ़े तो हम क्या देखते हैं कि डायटम की कोशिका भित्ति में सिलिका उपस्थित होता है, और सिलिका उपस्थित होने के कारण इनके जो जब इनकी मृत्यु होती है और वो जीवाश्म के रूप में परिरक्षित होते हैं, तब यह डायटमी मृत्तिका कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि युगलिना में जंतु सम तथा पादप सम दोनों प्रकार की जीवन पद्धति पाई जाती है। इस कारण से यह जंतुओं तथा पादप के बीच की कनेक्टिव लिंक कहलाता है। कौन कहलाता है भाई? युगलिना। नेक्स्ट देखें, स्लाइम मोल्ड या उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती तथा यह जीवाणुओं, कवकों के बीजाणु तथा कार्बनिक पदार्थों के कणों का भक्षण करके जीवित रहते हैं। इस कारण से इन्हें उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ का मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जा सकता है, जूफ्लेजिलेट, सार्कोडाइंस, स्पोरोजोअन्स तथा सिलिएट्स। जूफ्लेजिलेट, सार्कोडाइंस, स्पोरोजोअन्स तथा सिलिएट्स। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कवक की बात यहां पर हो रही है। कवक पर्णहरित रहित, कवक क्लोरोफिल रहित यूकेरियोटिक विषमपोषी जीवधारी है, जिनमें अवशोषण प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है। आप लोगों को मालूम है कि कवक जो है सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। लैंगिक जनन तथा जीवन चक्र के फलस्वरूप बने बीजाणुओं के आधार पर कवकों को चार समूह में वर्गीकृत किया गया है। और ये चार समूह कौन से हैं, चार वर्ग कौन से भाई? फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज तथा
ड्यूटीरियोमाइसिटिस। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने योग्य क्या है कि फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस तथा बेसिडियोमाइसिटिस में लैंगिक जनन के फलस्वरूप ऊ स्पोर या एस्को स्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, ऊ स्पोर या जायगो स्पोर तथा एस्को स्पोर तथा बेसिडियो स्पोर बनते हैं, जबकि ड्यूटीरियोमाइसिटीज में लैंगिक जनन नहीं होता है। राइजोपस तथा म्यूकर को पिनमोल्ड भी कहा जाता है। अगर हम आगे बढ़े तो हम क्या देखते हैं कि राइजोपस तथा जो म्यूकर होता है उसको पिनमोल्ड भी कहा जाता है। वहीं लाइकेन की बात करें, लाइकेन क्या है भाई? लाइकेन एक सहजीवी पौधा है जो शैवाल तथा कवक की परस्पर संयोग से जीवन यापन करते हैं। इसके शैवाल घटक को फाइकोबायोट कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, तथा इसके जो कवक घटक होता है उसको माइकोबायोट कहते हैं। यह शैवाल को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होते हैं। लाइकेन क्या होते भाई? वायु प्रदूषण का सूचक होते हैं। कुछ लाइकेन जैसे सिट्रेरिया, आइसलैंडिका तथा डर्मेटोकार्पन मिनीएटम, जिन्हें स्टोन मशरूम कहा जाता है, खाने के काम आती है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये लाइकेन है, ठीक है, लाइकेन है, और उनको क्या कहा जाता है? स्टोन मशरूम कहा जाता है, जो खाने के काम में आती है। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। यहां पर ध्यान रखने योग्य बात क्या है भाई कि बैक्टीरियोलॉजी में जाता है जीवाणु या बैक्टीरिया, वायरस, कवक तथा प्रोटिस्टा के सदस्य अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियां उत्पन्न करते हैं। अगर हम वायरस की थोड़ी सी बात कर ले तो वायरस की खोज इवानोवस्की ने सर्वप्रथम 1892 में की थी। अगर हम टीएमवी की बात करें, टोबेको मोजेक वायरस की बात करें, तो इसके चारों ओर का आवरण जो है वो कैप्सिड कहलाता है। वीरियोड, वीरियोड कम अणुभार वाला नग्न आरएनए होता है, जबकि प्रियॉन, प्रियॉन अति संक्रामक प्रोटीन के असामान्य कण हैं जो जीवों में खतरनाक बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इन कणों की खोज सर्वप्रथम प्रूसिनर नामक वैज्ञानिक ने 1992 में की थी। एक बार महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि प्रियॉन्स गाय में मैड काउ नामक बीमारी उत्पन्न करती है। डायटम को समुद्री मोती भी कहा जाता है, डायटम को समुद्री मोती भी कहा जाता है। एक बात जो महत्वपूर्ण जो लिखी जा रही है वो है कि वायरस को क्रिस्टल के रूप में स्टेनले के द्वारा 1935 में पृथक किया गया था। स्टेनले के द्वारा 1935 में पृथक किया गया था। नाखून तथा बालों पर उगने वाले कवक को कैरेटेनोफिलिक कवक कहा जाता है। नाखून तथा बालों पर उगने वाले कवक को टेनोफिलिक कवक कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो सेकेंड चैप्टर है वो खत्म होता है। उम्मीद करूँगा कि ये दोनों वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।